हैप्पी क्रिसमस टू योर फैमिली। हम स्नोमैन बना रहे हैं, ये रहा स्नोमैन की बॉडी और ये उसका पता नहीं जो बोला ना वो नाम। हम बना रहे क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बोतल का, बोतल से। और ये ओके ओके, ये वो है ना मैट टाइप की। हाँ। चलो ठीक है, ये है क्रिसमस ट्री। अच्छा, स्टार्स बन रहे इसके ऊपर का। गाइस ध्यान दो, अरे मुझे कौन सा टीम में आप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रोहित एंड सोनी व्लॉग्स। रात की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, तो काफ़ी लेट आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट व्लॉग की शुरुआत कर दिए गाइस। तो आपको दिखाते हैं आज क्या क्रिएटिविटी हो रही है यहाँ पर। कल क्रिसमस है जैसे सभी को पता है, तो ना मेरा व्लॉग एक दिन लेट आता है, क्योंकि एक दिन पहले व्लॉग बनाता हूँ तो अगले दिन पोस्ट करता हूँ। तो फिलहाल ये देखिए यहाँ पर पूरा क्रिसमस का, ये आएगा 25 को आएगा। हाँ, हैप्पी क्रिसमस टू योर फैमिली, मे दिस क्रिसमस ब्रिंग लॉट ऑफ जॉय एंड प्रॉस्परस टू योर फैमिली, थैंक यू। तो यहाँ पर अपेक्षा की तरफ से गुड विशेस दे दिए सभी को, जो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, जो भी क्रिसमस गॉड जीसस को मानता है। तो अब इन बच्चों से पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सबके लिए। अच्छा, सबके लिए है ना, ठीक है। तुम गाइस वो भी सेम मेरी तरफ से भी वो होता है, मेरी तरफ से भी कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट। ओके ओके, तुम वो तो शर्मिला है, गूगल से सर्च मारना पड़ेगा क्या बोलना है। ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सोनू भी खड़ी है पीछे से, हम लोग ना अभी कुछ इनके साथ बच्चों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम लास्ट में, ये आपको सारा मटेरियल दिख रहा होगा सब वेस्ट है, तो हम ना वेस्ट मटेरियल से ही कुछ अच्छा प्रिपेयर करेंगे। जैसे क्या बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं हम? पहले हम स्नोमैन बना रहे हैं। गिफ्ट फॉर यू, ओके, सेंटा गिफ्ट ना। तुम क्या बना रहे हो? न्यूज़पेपर से मैं स्नोमैन बना रहा हूं। ओके, सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर जाके फॉलो करिए, यार सोनी रोहित 2000। वी पोस्ट एवरीडे रील्स एंड डेली एक्टिविटीज वट एवर वी डू। और फिलहाल यार आज दिन भर में बैठ के धूप में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी अभी कॉपी किताब सब यहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन मैंने ना सोचा नहीं था आज ब्लॉग बनाऊंगा, बट बच्चे आए, कल क्रिसमस है, तो इन्होंने बोला कि चलो क्रिसमस के लिए कुछ हम डेकोरेट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह चल रहा है, और मैं और सोनू ये सब करके अभी हम जाने वाले हैं पैसिफिक मॉल, मतलब हम जा रहे हैं मेन देहरादून साइड, क्योंकि आज क्रिसमस है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। जो भी वहाँ पर क्रिसमस की एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, मैजिक शो होंगे, जो भी होगा वो आपको दिखा देंगे गाइस। अभी मतलब हमें जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, तो रास्ते का तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे, बट वहाँ पहुँच के हम आपको दिखा देंगे कि वहाँ चल क्या रहा है। तो फिलहाल यार इसको एक्टिविटी को पूरा होने में अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, और हम सोचेंगे आधे घंटे से पहले कर ले, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि गाइस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को। तो फिलहाल बच्चे क्या बना रहे हो अभी तुम? हम स्नोमैन बना रहे हैं, ये रहा स्नोमैन की बॉडी और ये उसका, पता नहीं जो बोला ना वही बना रहा हूं। ठीक है ठीक है, स्नोमैन बना रहे हैं ये। और यहाँ पर सोनू तुम क्या बना रहे हो? हम बना रहे क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बोतल का, बोतल से। और ये ओके ओके, ये वो है ना मैट टाइप की। हाँ। चलो ठीक है, तो इनको बनाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फिर बाद में आप लोग जजमेंट करके कमेंट करके बताना कि यार कैसा था, क्योंकि ये सब वेस्ट मटेरियल। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या बना रखा है, तो अपेक्षा बताएगी क्या बना रखा है। अपेक्षा, क्रिसमस ट्री। अच्छा, स्टार्स अभी बन रहे हैं इसके ऊपर का। स्टार्स लगाओगे ऊपर से? ऊपर यहाँ पे एक बड़ा वाला नहीं होता? हाँ। वो? हाँ। और यहाँ पे कैंडल है। अच्छा, कैंडल। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, बट ये स्टडी लैम्प की वजह से यहाँ पर व्लॉग बन रहा है, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह हो जा रही है स्टडी लैम्प से। तो फिलहाल अंधेरा हो चुका है पूरा, और अभी थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी करनी इसमें बाकी है, और ये सिर्फ 15 मिनट में बना रखा है गाइस, 15 मिनट। सो एक्चुअली गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, अब सीधे चलते हैं यार देहरादून, और देहरादून में अभी हम सीधे जाने वाले हैं पैसिफिक मॉल, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस देयर ओनली, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है, या फिर मैजिक शो होगा, या फिर कोई कॉन्सर्ट वगैरह होगा, आई थिंक सो कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा ही होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो सिर्फ घूम के आ जाएंगे। तो मैंने डिनर वगैरह कर लिया गाइस, मैगी बनाई थी तो हल्का फुल्का डिनर कर लिया, बाकी थोड़ा बाहर खा लेंगे। तो सोनू को भी कॉल कर दिया है, वो भी आती होगी, और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो क्रिसमस भी रात को सेलिब्रेट होता है ना, तो इसलिए अभी चलते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे सीधे पैसिफिक मॉल में। सो गाइस बिफोर गोइंग टू द पैसिफिक मॉल, अभी हम रुके हैं क्लॉक टावर के पास, तो यहाँ पर कुछ कंसर्ट हो रहा है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है गाइस आई लव दून, तो हम आई लव दून में चलते हैं सीधे, यहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है तो दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद सीधे चलेंगे पैसिफिक मॉल। मतलब हाफ ऑफ क्रिसमस हेयर म्यूजिक कॉन्सर्ट लाइव शो इज गोइंग ऑन, अभी हमें मेन क्लॉक टावर पे, तो उसके बाद फिर चलेंगे हम पैसिफिक मॉल।
तो हम सीधे पहले पैसिफिक मॉल जा रहे थे, बट रास्ते पर ये हो रहा था तो हमने सोचा पहले यहीं पर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद पैसिफिक जाएंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं कंसर्ट देख के, अब सीधे चलते हैं पैसिफिक मॉल और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है गाइस। सो गाइस वी रीच पैसिफिक मॉल और अभी हमने अपनी स्कूटी कर दी है पार्किंग पे पार्क और अब सीधे चलते हैं पैसिफिक मॉल के अंदर। अब देखते हैं अंदर पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा। तो यार यहाँ से होती है, यहाँ पर एंट्रेंस है सीधे यहाँ से। ओह ये है। सो गाइस द प्रोग्राम वॉज फ्रॉम 5 to 8 बट वी मिस्ड इट बिकॉज वी आर टू लेट। और यहाँ पर ना प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है गाइस। तो भैया बोल रहे थे कि कल प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा शाम को और आप देख सकते हैं यहीं पर ही हुआ था बच्चों का प्रोग्राम और ये हो रही पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई है यहाँ पर पूरी। और ये रहा हमारे सेंटा बाबा, सेंटा क्लॉज। सोनू को गिफ्ट दे दे सेंटा, मांगो। तो गाइस ये है पूरी यहाँ पर क्रिसमस की डेकोरेशन। बट यहाँ पर चल रहा है गाइस फोटोशूट, आप देख सकते हैं सोनू पूरा यहाँ पर पूरा फोटोशूट करा रही है और देख सकते हैं पूरी वॉल्स यहाँ पर पैसिफिक की वॉल पूरी डेकोरेटेड है। कहीं ना कहीं पोपट जरूर होता है हमारा। नाम ही पोपट हो जाना चाहिए। पोपट राम, पोपट लाल, पोपट लाल जेठालाल में था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।